संख्या लाखों की लग्जरी गाड़ियों को ऐसे चुरा लेते थे ये गिरोह के सदस्य और नेपाल में बेच देते थे, जिसका खुलासा मुजफ्फरपुर में हुआ है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि वाहनों को चोरी कर लिया जाता था और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया, सदर और अहियापुर पुलिस की यह बड़ी सफलता है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जानकारी दी है, बताया है कि चार अपराधियों को धर दबोचा गया है और ये बदमाश या अपराधी ट्रेडिशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे और कई सारी चीज़ों को चुरा लेते थे, जिसके बाद ये लोग नेपाल में गाड़ियों को बेच देते थे। लाखों की लग्जरी गाड़ियों को ये लोग नेपाल में बेच देते थे, जिसको लेकर सत्यापन किया जा रहा है और अन्य गिरोहों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। इनकी पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, पहले आप वो सुनिए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, अभी वाहन चोरी जो घटनाएं हैं उनके खिलाफ जो मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कल दिनांक 12/8/23 की रात्रि में सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में और अहियापुर की टीम के सहयोग से ऐसी जगहों पर हम लोगों की रात्रि गश्ती होती है, उसमें चार अपराध कर्मियों को स्कॉर्पियो गाड़ी, इसका निबंधन संख्या हम प्रेस विज्ञप्ति में आपको दे रहे हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी करने के प्रयास में इन लोगों को पकड़ा गया। दो लोग गाड़ी को चुराने का प्रयास कर रहे थे और दो लोग उसके पीछे ऑल्टो गाड़ी में सवार थे, उस ऑल्टो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। चार अपराध कर्मी हैं इसमें, आरव जो काजी मोहम्मदपुर थाना के रहने वाले हैं, अशोक कुमार जो विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं, विक्की कुमार ये भी काजी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, और आज़ाद कुमार ये विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन चार अपराधियों को दो देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक अल्टो कार, एक टैब, मोबाइल और जो भी इनके टूल्स टूल बॉक्स है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। जो टैब यहाँ पर लिया गया है ये इन्होंने ऑनलाइन परचेज कभी किया होगा। आमतौर पर इस तरह के टैब से पुरानी जो स्कॉर्पियो हैं उन लोगों के लॉक को डिसेबल किया जा सकता है और इसमें ये रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर भी रखते हैं, जिससे इनके गैंग में जो साथी यहाँ पर ना हो वो भी इनको डायरेक्शन दे सके। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि सदर थाना की और अहियापुर थाना की रही है। इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं इसमें से काजी मोहम्मदपुर थाना के जो विक्की कुमार हैं, इनका आपराधिक इतिहास वाहन चोरी से संबंधित रहा है और पहले भी ट्रक चोरी के कांडों में ये जेल गए हैं। अभी तक रून्नी सैदपुर का एक हम लोग को इतिहास मिला है, बाकी जो जानकारी इन्होंने दी है उसके आधार पर हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। अशोक कुमार जो पकड़े गए हैं ये बरियारपुर से भी चोरी के कांड में पहले जेल गए हैं, लेकिन विभूतिपुर थाना से ये हत्या के एक कांड में जेल गए हुए थे और कुछ माह पूर्व ही ये जमानत पर बाहर आए हुए हैं। वो विभूतिपुर कांड संख्या 217 है, जो 302, 120 बी और 34 इन धाराओं के अंतर्गत ये कांड दर्ज हुआ था। तो अभी तक जो हम लोगों की उपलब्धि रही है इसमें ये चार अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं और जो सामान बरामद किया गया है और उसकी सूची आप सभी लोगों के साथ साझा की जा रही है। थानाध्यक्ष सदर हम लोगों के साथ हैं, इसके अलावा थानाध्यक्ष अहियापुर, DIU की जो हम लोगों की टीम है, और सदर से ललन कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार और संजीत, ये चार सब इंस्पेक्टर्स की टीम ने इस कांड को और इन लोगों को पकड़कर संभवतः जो है एक बड़ी घटना होने से रोकने की कोशिश की है। पिछले चार महीनों में सदर थाना अंतर्गत विशेष तौर पर हाईवे में स्कॉर्पियो गाड़ी जो चोरी हुई है उसके संबंध में भी इन लोगों ने स्वीकार किया है कि कुछ गाड़ियां चुराकर इन्होंने नेपाल में बेची है। इनके इस बयान का और इनके यहाँ पर आवागमन का टेक्निकल जो एविडेंस है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे और इन्होंने जो बातें कही हैं और उसका सत्यापन करेंगे, ताकि जो और गाड़ियां चोरी हुई हैं उनकी भी बरामदगी की दिशा में हम लोग सफलता हम लोगों को मिल सके। तो सिंडिकेट कहाँ तक में से कई लोग, ऐसे कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है जो बिहार के विभिन्न जेलों में बंद हैं और वो लोग भी इन्हीं इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजिकल ऐप का और इन्हीं टूल बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। तो ये जानकारी भी सामने आई है कि जेल में बंद एक व्यक्ति ने इनको ये उपलब्ध कराया है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और आवश्यकता होगी तो हम लोग उन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनका सिंडिकेट बहुत व्यापक होने की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग एरियाज में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके बारे में इंट्रोगेशन के में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। इसका सत्यापन करने से, उन लोगों पर कार्रवाई करने से और संबंधित थानों के साथ, संबंधित जिलों के साथ कोऑर्डिनेशन करने से हमें उम्मीद है कि हम लोग ऐसे कुछ और गिरोहों को पकड़ सकते हैं। अंतर्राज्य गिरोह है क्या लोग? नहीं, अंतर्राज्य गिरोह तो नहीं है, सभी लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार का ही गिरोह है, लेकिन कुछ गाड़ियां इन्होंने नेपाल के किसी व्यक्ति को बेचने की बात कही है, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं।
सत्यापन के उपरांत ही कुछ कार्रवाई कर पाई। अभी तक जो एविडेंस प्राप्त हुआ उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट, हाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से दो लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग आज से 4-5 वर्ष पूर्व किन्हीं न किन्हीं आपराधिक घटनाओं के चलते एक दूसरे के संपर्क में आए और वो संपर्क बना हुआ है। जैसे इसमें जो अपराधी अशोक कुमार है वो कुछ माह पूर्व जेल से छूटा हुआ है, और विशेष तौर पर जो ये इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये इन्होंने किसी ने ऑनलाइन परचेज किया होगा बहुत पहले, और इनको अभी उपलब्ध कराया गया है। इसमें 2 या 3 महीने की एक्टिविटी हम लोग ट्रैक कर पाए। और रिकवरी तो जो गाड़ी ये चुराने की कोशिश कर रहे थे वो तो ये चुरा नहीं पाए, वो स्कॉर्पियो है BR06PD2233। इसके अतिरिक्त जिस आल्टो कार का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वो गाड़ी संभवतः इन्हीं में से किसी एक की है, अभी तक चोरी के होने की बात सामने नहीं आई है। वो आल्टो गाड़ी, 2 अवैध देसी कट्टा जो संभवतः इन्होंने इसलिए रखा होगा कि कोई अगर बल प्रयोग की जरूरत पड़े तो करें, 2 जिंदा कारतूस है, 1 टैब है जो यहाँ पर है, और मोबाइल है, और इनके टूल बॉक्सेस हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट के अलावा ये भी एक इनका इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पर ये लोग गाड़ी का लॉक गेट ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ते हैं, उसके बाद ये इस इक्विपमेंट को यूज़ करके उसके लॉक को डिसेबल करते हैं ताकि किसी भी की से वो इग्निशन उसमें स्टार्ट हो सके, और फिर उसका GPS वगैरह अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से गाड़ी चुराने का इनका जो है, इनके मॉडल्स को भी जानने की हम लोगों ने कोशिश की है ताकि ऐसे मॉडल्स वाले और लोगों को भी हम लोग आगे वो कर सकें। वाहन चोरी की घटनाएँ जो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं उसके रोकथाम की हम लोग की कोशिश रहेगी कि आगे भी इन लोगों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करते रहें। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि इस गिरोह का आतंक कितना था कि बिहार में लाखों की लग्जरी गाड़ियों को नेपाल में बेच देते थे, ये ट्रेडिशनल तरीके से गाड़ियों को चुराते थे और आसानी से नेपाल में गाड़ियों को बेच देते थे, जैसा खुलासा हुआ है। हालांकि रंगे हाथ पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, सदर थाना क्षेत्र और अयापुर इलाके में यह बड़ी कार्रवाई है। चारों को पकड़ लिया गया है और हथियार भी बरामद किया गया है। हथियार भी इस गिरोह के सदस्य रखते थे ताकि कोई अगर कुछ होता है तो हम जवाबी कार्रवाई भी कर सके। तो सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जेल से भी इसके तार जुड़े हैं। आगे क्या कुछ होगा, जेल से कैसे तार जुड़े हैं ये जानकारी जुटाई जा रही है।